हिंदुस्तान का फादर बना था। डाकी बचा बचा भेज दिया और मेरे को सुनो कौन है इमारत के लिए यार रोल 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 रुक रे हां हां 2 मिनट रोलिंग चाहेंगे आप लाइक उनकी इतनी सारी यादें चाहे मिस्टर इंडिया हो मामा जी के नाम से भाई ये कहना चाहूंगा कि जिंदा रहने में और जिंदगी जीने में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक उनमें से एक थे। अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी खत नहीं था, अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे ख़ास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आँखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, अपना दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं। अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियाँ बांटी और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया। दुख नहीं बांटे, खुशियां बांटी, हंसियां बांटी। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथ। तो हमेशा उन्होंने जो मायूस चेहरे थे उन पे मुस्कुराहटें बिखेरी, सबको खुश किया और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। आज भी हमें पप्पू पेजर याद है, आज भी हमें कैलेंडर याद है, आज भी हमें मामा जी याद है। अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है, कुछ चली कुछ नहीं चली। लेकिन अगर नहीं भी चली तो उनके व्यवहार में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। मुस्कुराते रहना ही उनकी आदत थी। और 2 फिल्मों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। तो बस सेट पे उनका रहना शर्त था और माहौल का खुशगवार होना उनकी बातों से। तो मैं यही कहूँगा कि हर तरीके से वो एक अचीवर रहे हैं ज़िंदगी में। इतना जो कुछ भी उन्होंने आज तक अचीव किया वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बलबूते पर और अपने व्यवहार के बलबूते पे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और हमेशा और बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते थे किसी की। तो कभी मैंने उन्हें मायूस नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें टेंशन में नहीं देखा। जब भी देखा उन्हें अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट बांटते हुए। तो यही कहूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं ज़िंदगी में हजार हाँ, लेकिन
इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं, यूं तो आते हैं लोग, वो एक नक्श छोड़ कर गए हैं, वो अपनी एक पहचान छोड़ कर गए हैं। और जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, जब तक उनकी वो जिस्मानी तौर पे आज चले गए हैं लेकिन जो उनकी खुशगवार यादें हैं, उनकी बिखेरी हुई जो खुशियां हैं, वो हमेशा रहते दम तक हमारे दिल में कायम रहेगी। Thank you.